मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और सॉन्ग माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छे, जैसे हमने हमारा जैसा विजन था सॉन्ग को शूट करते समय वैसे कुछ हम लोगों को देखने मिल रहा है, तो सॉन्ग माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहा है। मुझे हमेशा से एक वो बीच वाला मोंटाज जो आपने देखा सॉन्ग में, वो मुझे हमेशा से मतलब शूट करना था और जैसा मैं सोचता था कि मतलब कैसा लगेगा वो, तो ये शूट होने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत खुश हूँ कि जैसा मैं चाहता था वैसा कुछ मुझे देखने मिल रहा है वो वीडियो में। बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ पे भी शूट होता है, कहाँ पे भी हो, वो इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर भी हो, बहुत अच्छा लगता है। लोग वहाँ जानते हैं, पहचानते हैं, लोग मिलते हैं, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है शूट में, शूट करने के दौरान बहुत सारे इशू हो जाते हैं। कभी कभी जगह नहीं होने की वजह से इतने सारे लोग आ जाते हैं वहाँ पर, तो शूट हमको कैंसिल भी करना पड़ता है, मगर अच्छा लगता है, जैसा भी होता है एडजस्ट हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है और टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से तो मतलब मैंने टाइम का हिसाब किताब असली समझा हूँ मेरे वेब सीरीज़ के शूट के टाइम। जैसे कि मैं दो दो दिन सोता नहीं था और सुबह सुबह चार चार बजे उठ जाता था डायरेक्ट शूट के लिए, तो टाइम मैनेजमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अभी मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ क्योंकि मेरा कॉस्ट्यूम का इशू हो गया था, तो मैं वापस से दूसरा कॉस्ट्यूम पहन के आया हूँ। थैंक यू सो मच बी लाइव, आपने इस काबिल समझा और मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी आपने, और म्यूज़िक वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, और रूही के साथ काम करके हमेशा, निखिल भाई भी हमारे, उनके साथ भी काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच निखिल भाई। बैंग बैंग की तो मैं इतनी तारीफ़ कर दूँ वो भी कम है, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था और मेरी एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी बैंग बैंग को लेके, कि मतलब ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मुझे कुछ ऐसा सुनने मिलेगा फैंस लोग से, मेरे रिलेटिव से, जो कि वो इतना प्यार दे रहे हैं इस चीज़ के लिए। वो खुद बोल रहे हैं कि हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि तू इतनी अच्छी एक्टिंग करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब शूट के दौरान मुझे बस यही था कि फर्स्ट डेब्यू है, कैसा लगेगा लोगों को, क्या लगेगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जितने मैंने वर्कशॉप वगैरह कम्प्लीट किया और सारी जो ट्रेनिंग थी उसके दौरान, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा निकल गया है। बैंग बैंग में रोमांटिक नहीं लग रहे, मीरा बहुत गुस्सा कर रही है मेरे पे पूरे बैंग बैंग में। आप देखोगे तो हम लोगों की सिर्फ लड़ाई हो रही है और हमारे मॉन्टेजेस थोड़े कम है प्यार वाले, मगर ये म्यूजिक वीडियो में बहुत ज़्यादा आपको देखने मिलेंगे, क्योंकि अच्छा है, मतलब वेब सीरीज़ के बाद में म्यूजिक वीडियो आया और ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री हमारी तो अच्छी लगती है अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को। येस, आई एम सो ग्लैड बैंग बैंग में लोगों ने हमारी जोड़ी को इतना पसंद किया है, एंड अब हमारा एक म्यूज़िक वीडियो आ रहा है जिसमें कम्प्लीटली डिफरेंट लुक है देन बैंग बैंग, एंड आई थिंक हम दोनों ही कैरेक्टर्स में काफ़ी फिट हो रहे हैं। सो आई होप ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ आते रहें और लोगों को हमारा काम पसंद आता रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट, बैंग बैंग IMDb पे 7.3 रेट कर रहा है। वाओ, 7.4। ओह वाओ, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच। रोमांटिक सॉन्ग है, थोड़ा कुछ बताइए फैंस के साथ रोमांस करना कैसा रहा?
बहुत 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 मज़ा आया. हम लोगों ने गोवा में शूटिंग की. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो है. वैलेंटाइंस डे आ रहा है तो आई थिंक वहाँ सारे ही लवर्स आउट देयर के लिए एक बहुत ही एक गिफ्ट की तरह है. एंड ऑफकोर्स फैज़ू के साथ काम करके तो हमेशा ही मज़ा आता है. वी हैव अ रियली गुड टाइम ऑन सेट एंड आई होप लोग को ये गाना बहुत पसंद आए और इंशाल्लाह लोग बहुत सारे वीडियोस भी बनाए जैसे हमेशा लोग मेरे लिए करते हैं. yes. तो इंशाल्लाह कंटेंट बनाए और मैं अपने अकाउंट पे फीचर करूँगा. वी लाइव म्यूजिक के साथ काम करके हमें बहुत मज़ा आया. निखिल रियली टुक अ वेरी गुड केयर ऑफ अस. ही पैम्पर्ड अस एंड बहुत अच्छे गाने आते हैं. इनके बहुत ही वर्सटाइल ट्रैक्स हैं, बहुत ही खूबसूरत गाने हैं एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट. जो मेरा गाना है वो एक ऑडियो है और उसको जो फेस मिला है माशाल्लाह आप दोनों का और उससे चार चांद लग गए हैं और इनके काफ़ी सारे फैंस हैं जो चाहते थे कि ये एक इनका जो बैंग बैंग आ रहा है और उससे पहले एक रोमांटिक जो आप दोनों का गाना आ गया है तो उससे काफ़ी अच्छा लग रहा है. इनकी केमिस्ट्री ऑलरेडी बहुत ही खूबसूरत है और सबसे इम्पोर्टेंट सॉन्ग बहुत ज़्यादा ही कैची है जो सच में बहुत. जब मैं फ़र्स्ट टाइम मुझे सॉन्ग मिला था निखिल सर की तरफ से तो मैंने तभी बोल दिया था सर को हाँ मैं करूँगा क्योंकि सॉन्ग बहुत अच्छा था. थैंक यू. बिग बॉस तो अभी बेसिकली शूट के दौरान मैं पिछले 5 महीने से बैंग बैंग का शूट कर रहा था तो मैं बिग बॉस में इस बार इतना अपडेट नहीं था तो इंशाल्लाह अभी मैं देखता हूँ बाद में अच्छे से. अभी मैंने अपडेट देखा ही नहीं कौन कौन कितने कंटेस्टेंट है कितने नहीं. अभी पता नहीं कितने कंटेस्टेंट को मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं किसी फेवरेट को बोल दूँ तो सांसे हैं जब तक तुझसे मोहब्बत करता रहूं मैं दे इजाजत जिस्म से मेरे रूह जुदा तक तेरा रहूं मैं दे इजाजत मैं वो साहिल था जिसमें लहर ना ठहरे मैं वो दिन रात था जिसमें पहर ना ठहरे आने से तेरे क्या हुआ सब कुछ नया सा लगे सांसे हैं जब तक तुझसे मोहब्बत करता रहूं मैं दे इजाजत. थैंक यू. बहुत अच्छी बात. थैंक यू सो मच. या Can you start from the... What are you saying?
You have now already, we did it. Do you wait? Wait. I would just want to say that the song is lovely, and I guess Fezu is going in a very nice way. He recently had his movie, web Bang Bang, and now with this music album, so I guess a great way to go for him, and it's lovely. It is a lovely song with a lovely melody, and I totally loved it. It was super amazing, and you guys should listen to it too. Thank you. Hey, hi. How are you? Ready, rolling? She's my very close friend, Ruhi. We've worked together and we've been friends for so long now. And Valentine week mein gana release hona is like a complete romantic thing. So I wish her all the best, and Tej Jazat, I'm sure it's gonna be like blasting all the charts. So, for sure. You know, guys, she's one of my bestest friends, and her show Hello G just got released on all. And I'm so excited for her. We've actually worked together in Operation Cobra, and we're shooting in London, and since then we've been inseparable. Absolutely. So thank you so much for coming here. You are doing amazing, and lots and lots and lots of good luck to you. You're doing great, and lots of love to you. Thank you so much. Okay. Are we done? Naira? Naira, that's Ishan. Finger. Congratulations for the release. Who's clicking? जी गाने में स्पेशल जो है रूही है और फैजल है, और ये गाना जो है मैंने लॉकडाउन में लिखा था, तो ऐसा सोचा नहीं था कि हम वैलेंटाइन में रिलीज़ करेंगे इसको, और इतना जल्दी सब कुछ हुआ. सो गाना बहुत ख़ास है मेरे लिए, क्योंकि इसको मैंने कंपोज भी किया है, लिखा भी है और गाया भी है. सो काफ़ी कुछ है इस गाने में. और आज काफ़ी मुझे रिव्यूज़ भी अच्छे आए हैं, एंड कि गाना आपका बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा वैसा. सो बड़ा अच्छा लग रहा है.
लॉकडाउन में मैंने 5 गाने लिखे हैं. सो एक सातों जन्म भी अभी मेरा आया था कुछ दिन पहले, वो भी मैंने लिखा है, वो भी कंपोज किया है मैंने, वो भी मैंने गाया. सो इजी तो नहीं है, बट लिखते लिखते कभी थॉट्स आ जाते हैं, सो फिर मैं लिख लेता हूँ ऐसा. जी, बहुत ज़्यादा ही जस्टिस किया है. और इसको जो डायरेक्ट किया है नदीम एंड नितिन ने बखूबी, उनका भी ये सेकंड म्यूजिक वीडियो है हमारे साथ, और उन्होंने बखूबी बहुत अच्छा निभाया है, और काफ़ी आपको केमिस्ट्री देखने को भी मिलेगी उन दोनों की. गाना एक्चुअली अभी 3-4 दिन पहले मैं थोड़ी तबीयत, म्यूज़िक की कैसी चल रही है, कैसी थी और क्या है. सो बेसिकली हम चाहते हैं कि वो जो बॉलीवुड का और जो प्यार है वो बरकरार रहे, खूबसूरत गाने आते रहें, बस यही हमारी सोच है. मीनिंगफुल सॉन्ग्स नेक्स्ट गाना एक्चुअली हमने बहुत सारे गाने शूट करके रखे हैं, बट अभी क्या हुआ कि लॉकडाउन चल रहा था और काफ़ी सारी वेडिंग्स जो हैं रुकी हुई थी. तो हमारा नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है वो है कि हम एक वेडिंग सॉन्ग जो है प्रॉपर वेडिंग सॉन्ग हम उसको लाएंगे, और अभी उस पर ही वर्क चालू है. कल चंडीगढ़ में उसका ही शूट था. सो जी जी, और इस बार आवेज़ है हमारे साथ, और क्योंकि ये जो गाना है बहुत मस्ती वाला है. तो ये सॉन्ग जो है काफ़ी मस्ती वाला है एंड फुल है, तो इसमें काफ़ी डांस चाहिए था, और अवैज़ बहुत अच्छे डांसर हैं, कोरियोग्राफर हैं, तो बहुत मज़ा है उनके साथ काम करके. और इसमें भी मैं एज अ सिंगर दिखूंगा आपको वीडियो में. गाने का रिलीज़ बेसिकली हमने 11 तारीख को सोचा था, और अभी कुछ आगे पीछे हो सकता है, बट आप लोग जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं आप हमसे जुड़ के रहिए, थोड़ा आगे पीछे होगा, जहाँ जब भी रहेगा हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे बी लाइव म्यूज़िक के पेज से. Thank you, guys. Yeah.